कार मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले कल से जिस तरह से आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का दौर चल चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश की राजनीति पार्टियों में भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमें पूर्व विधायक बिश्नाह से गगन भगत जी ने हमें अपनी राय भेजी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि इस बार भाजपा लखनपुर पार, तो देखते हैं कि क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको विधायक पूर्व विधायक गगन भगत की वो प्रतिक्रिया जो उन्होंने हमें भेजी है। नमस्कार साथियों, और जिस प्रकार तेजी से घटनाक्रम बदला है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर मैं कहूँगा जो बहुत ही पुराने कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। खैर, ये कांग्रेस का उनका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि आपने मेरी टिप्पणी मांगी, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को लोकतंत्र में एक आज़ादी है कोई भी पार्टी बनाने की, राजनीतिक दल बनाने की, तो आज़ाद साहब कर सकते हैं, अच्छी बात है, बनानी भी चाहिए, क्यों नहीं बनानी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि आज़ाद साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पार्टी वो बनाएंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। क्या वो एजेंडा होगा भाजपा की मदद करना, या वो एजेंडा होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ देना उनका, जो भाजपा के सामने खड़े हैं इस लड़ाई में। इसके साथ ही बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि आज़ाद साहब के साथ जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कद्दावर नेता हैं और काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं। तो इस समय तो मैं यही कहूँगा कि अब आने वाले दिनों में देखना बहुत ज़रूरी है कि वो भाजपा को फ़ायदा देंगे या भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे हमारी तरह, और हम तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। खासतौर पर नौजवानों का भविष्य है, किसानों का भविष्य है यहाँ पर, और जिस प्रकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हम तो खिलाफ खड़े होंगे ही होंगे। और मैं ऐसी आशा अपेक्षा रखता हूँ आज़ाद साहब से कि वो इस लड़ाई में हम लोगों का साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ अवश्य देंगे। बाकी पार्टी उन्होंने बनाई है, बनानी है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जो भी मतभेद थे कांग्रेस के साथ, वो उनका अंदरूनी मामला है, और इस मसले पे हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ना कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और केवल मैं ये देखना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाएंगे, वो किस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर की जनता का साथ देगी। कहीं ये परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ये भाजपा का साथ देगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज़ाद साहब जैसे कद्दावर नेता, जिनको जम्मू कश्मीर के समान प्यार मिला है, उनको किसी रीजनल बायस का सामना नहीं करना पड़ा है। हर एक हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका प्यार बराबर मिला है। और मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो भाजपा के खिलाफ ना जाकर भाजपा का साथ देगा, तो इससे बड़े बुरी बात, दुख वाली बात और दुर्भाग्य की बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। वैसे भी 5 अगस्त 2019 के बाद हम लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा, आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की इस पर आवश्यकता नहीं है। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों पे खासकर जम्मू के जो नौजवान हैं, वो भाजपा को जवाब अच्छे से देने वाले हैं। तो साथियों, अच्छे से जवाब दीजिएगा, मजबूती से जवाब दीजिएगा। अब की बार भाजपा लखनपुर पार। जय हिंद साथियों।